नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 2 फरवरी 2021 को हम बात करेंगे हमारे आहार में बहुधा से प्रयोग होने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण तत्व अदरक के गुणों और उपयोग के बारे में, जो इसका प्रयोग हमारे घर के लगभग सभी आहार द्रव्यों में यानी कि भोजन में किया जाता है, और इसके साथ साथ ही औषधि के रूप में भी ये बहुत अधिक गुणकारी होता है। तो आइए जानते हैं अदरक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे अदरक की दो वैरायटीज़ के बारे में, दो रूपों के बारे में जो कि हमें बाज़ार में मिलती हैं। एक होता है गीली अदरक और दूसरी होती है सूखी अदरक। जो अदरक है उसे हम अदरक भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे जिंजर कहते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। जो अदरक की दूसरी फॉर्म हमें मिलती है वो होती है सूखी हुई अदरक, जिसे कि हम शुष्क अदरक भी कहते हैं, और इसे ड्राई जिंजर कहा जाता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा नाम सौंठ भी है, और कुछ जगहों में इसे शुंठी के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई अदरक की दूसरी वैरायटी नहीं होती, बल्कि अदरक का सूखा हुआ फॉर्म ही होता है। अदरक को जब सूखा दिया जाता है तो जो बन जाती है उसे हम सौंठ या शुंठी या फिर ड्राई जिंजर के नाम से जानते हैं। इसको अदरक से सौंठ बनाने का तरीका ये होता है कि जो बांस होता है, बांस के छोटे छोटे तीखे टुकड़े ले लिए जाते हैं जिसमें आगे की तरफ नुकीला हो, उससे अदरक को जो है वो इसके ऊपर की स्किन निकाली जाती है। निकालने के बाद इसको पानी से वॉश करते हैं। पानी से धोने के बाद में इसको 10 से 12 दिनों तक हम पहले धूप में सुखाते हैं, फिर छाया में सुखाते हैं। इस तरीके से अदरक जो है वो सौंठ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो बात हुई कि हमने अदरक जाना कि अदरक से सौंठ बनती कैसे है। अब हम जानेंगे अदरक व सौंठ के गुणों के बारे में कि दोनों में अलग अलग क्या गुण हैं। देखिए, चीज़ एक ही है, अदरक है, और अदरक से सौंठ बन गई, लेकिन दोनों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है एक ही चीज़ में, सिर्फ रूप चेंज हो जाने से। अदरक जो होती है हमारे घर में बहुतायत से हम लगभग सभी आहार में, चाहे वो आपकी चाय हो या आप घर में बनने वाली सब्जी हो, सभी में अदरक का प्रयोग किया जाता है। ये अदरक कटु रस वाली होती है, गुरु होती है यानी कि हैवी होती है, साथ ही साथ ये रूक्ष होती है, और ये वात कफ नाशक होती है। जबकि जो सौंठ होती है, ये सौंठ जिसे हम महा औषध भी कहते हैं क्योंकि औषध के रूप में बहुत अधिक गुणकारी होती है, ये लघु होती है और साथ साथ स्निग्ध होती है, उष्ण होती है और तीक्ष्ण होती है। जो सौंठ होती है ये वात और विबंध नाशक होती है, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या कहीं पर स्रोतस में रुकावट आ जाती है उन्हें और वात दोष का नाश करने वाली होती है, और साथ ही साथ ये उत्तम पाचक होती है यानी कि डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है। ये तो हो गए अदरक और सौंठ के गुण, और अब हम जानेंगे अदरक और सौंठ के जो है वो अलग अलग औषधीय उपयोग क्या है, यानी कि किन किन चीज़ों में किन किन रोगों में, अवस्थाओं में हम इसको एक मेडिसिन के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो पहले हम देखते हैं अदरक के बारे में। अदरक जो होती है ये अग्नि दीपक होती है, यानी कि अगर आप इसे सेंधा नमक के साथ खाने से ठीक पहले अदरक को सेंधा नमक के साथ लेते हैं तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है, आपकी भूख को बढ़ाती है। अगर आपको खांसी या जुकाम हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर आप अदरक को शहद के साथ लेते हैं, शहद के साथ लेने पर इन रोगों में ये दवा के संग एक अच्छे अनुपान का काम करता है। इसके साथ साथ अगर किसी को वोमिटिंग हो रही हो, उल्टी आ रही हो या जी मिचला रहा हो, उस कंडीशन में अदरक का रस और प्याज का रस लेने पर वॉमिटिंग की कंडीशन में या फिर नौजिया यानी कि जी मिचलाने की कंडीशन में बहुत अधिक आराम मिलता है। लेकिन वन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं या कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ पर आपको अदरक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जैसे कुष्ठ जैसी कोई अगर स्किन डिजीज़ हो गई है तो आप अदरक का प्रयोग ना करिए। अगर आपको पांडु रोग यानी कि एनीमिया है तो आप अदरक का यूज़ ना करिए। इसके साथ साथ अगर रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी किसी की नाक से खून आता है या फिर उसको एनल रूट से ब्लड आता है तो आप अदरक का यूज़ ना करें। ज्वर फीवर की कंडीशन में और दहा बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हो तो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रीष्म और शरद ऋतु, यानी ग्रीष्म का मतलब हुआ ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने और शरद ऋतु का मतलब हुआ अश्विन और कार्तिक के महीनों में आप अदरक का यूज़
ना करिएगा। ये तो हमने जाना अदरक के औषधीय उपयोग क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे अदरक एक मेडिसिन के रूप में यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे सौंठ यानी ड्राई जिंजर के मेडिसिनल यूज़ के बारे में, औषधीय उपयोग के बारे में। जो सौंठ होती है जो कि अदरक का ही ड्राई फॉर्म है, ये बहुत अच्छी जो है वो शोथहर होती है। शोथहर का मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसलिए वो सारी कंडीशंस जहाँ पे जॉइंट्स में या मसल्स में या कहीं और पे ऑर्गन्स में आप स्वेलिंग हो जाती है, उन सभी कंडीशन में ये स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। इसीलिए बहुत सारी आर्थराइटिस वगैरह में जहाँ पर पेन भी होता है और स्वेलिंग भी होती है, वहाँ पर इसका बहुत अधिक उपयोग करने पर बहुत अधिक लाभकारी होती है। ये शूल नाशक होती है, पेन को रिलीव करती है, इसलिए गठिया जैसे रोगों में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है और बहुत अधिक लाभकारी होती है। इन सब के साथ साथ जो है वो ये आमवात नाशक होती है, यानी जो कुछ ऐसी कंडीशंस या रोग जिनमें आम यानी फूड नहीं पचा हुआ होता, आम बन जाता है, आम के साथ अगर वात का अनुबंध हो जाने पर जो रोग उत्पन्न होते हैं आमवात, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस यानी गठिया जैसे रोग, उन कंडीशंस में ये एक रामबाण औषधि के रूप में काम में आती है। अगर किसी को एब्डोमिनल पेन होता है तो एब्डोमिनल पेन के कंडीशन में यानी पेट में दर्द होने की कंडीशंस में भी सौंठ बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि ये उदर में जो है वो वायु का संचय नहीं होने देती, उसको उसका पाचनाश वो वायु का संचय नहीं हो पाता, डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती है और जो उदर शूल होता है यानी एब्डोमिनल पेन होता है वो सबसाइड कर जाता है। किसी को अगर जीर्ण गठिया हुआ रखा है यानी कि ये क्रॉनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखी है, घुटनों में दर्द और ये सब रहता है, तो उसमें अगर इसका फांट बना के रात में दिया जाए तो बहुत अधिक लाभकारी होता है सौंठ का। ये तो हमने जाने इसके इंटरनल यूज़, इन सब के साथ साथ इसको एक्सटर्नल यूज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। अगर इसका लेप बनाकर गर्म पानी के साथ इसका लेप बनाकर अगर हेडेक हो रहा हो तो किया जाए तो हेडेक में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसके साथ साथ जो नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जैसे पेन हो रहा होता है, लेग्स में पेन हो रहा है या हाथ में कहीं पेन हो रहा है, तो वहाँ पर भी इसका गर्म पानी के साथ लेप करने पर बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और एक और ये चीज़ कि गुड़ और सौंठ का कॉम्बिनेशन को अगर हम इनडाइजेशन की कंडीशन में देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा अतिसार यानी डायरिया की कंडीशन में और शोथ यानी कि स्वेलिंग की कंडीशन में और कामला यानी जॉइंटिस की कंडीशन में ये बहुत अधिक लाभकारी होती है। तो इस तरह से हमने देखा है तो अदरक एक ही लेकिन एक गीली है और जब इसे सुखा देते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। खाली रूप ही नहीं बदलता बल्कि साथ साथ इसके गुण भी बदल जाते हैं और साथ साथ इसके जो मेडिसिनल यूज़ हैं वो भी बदल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से जब भी आप अदरक का या सौंठ का यूज़ करें तो आपको ध्यान रखना है कि किन कंडीशंस में आपको अदरक का यूज़ करना है, ये क्या क्या काम करती है और किन कंडीशंस में आपको अदरक का यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से आप हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।